बिहार में जिस अस्पताल में लोगों का इलाज होता है और जिस आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ते हैं, उन जगहों पर अतिक्रमण कर लोग मक्का और डंटल रख रहे हैं। ये मामला पूर्णिया के कस्बा विधायक आफाक आलम के गांव जियनगंज का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुला है। बगल में एक आंगनवाड़ी केंद्र भी है जहां मक्का ट्रैक्टर और ट्रैक्टर का डाला रखा हुआ है। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में है। इस खंडहरनुमा आंगनवाड़ी केंद्र में 40 बच्चे बैठकर रोज़ाना पढ़ते हैं। कभी भी छत गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। कस्बा ब्लॉक के इस गांव के लोगों की शिकायत है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कभी कभार ही ANM आती हैं, अक्सर ये बंद ही रहता है। यहाँ पर भी लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। स्थानीय लोग इस अस्पताल का नियमित संचालन चाहते हैं, लेकिन लाख शिकायतें करने के बावजूद भी किसी भी तरह की पहल नहीं होती है। जगह है, पहले से उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था 1960 ईस्वी से, और इसमें मतलब कि पहले से इलाज उलाज मतलब कि डॉक्टर और नर्स रहा करते थे। इस बीच में आज से 15 साल पहले से बहुत कम स्टाफ रहना ही बंद हो गया। अब कभी कभी नर्स मतलब ANM आती हैं हफ्ता में एक दिन, और मकान भी नहीं है, जर्जर हो चुका जिसके वजह ध्वस्त हुआ। बिल्डिंग भी मतलब कि फिर पुराना गिरा करके नया का प्रावधान किया गया था, जो अभी कुछ कारणवश रुका हुआ है, जो आपके सामने है उसको भी देख सकते हैं। जमीन का कुछ प्रॉब्लम? हाँ, जमीन से कुछ संबंधित दाता द्वारा दिया गया, दाता के पुत्र द्वारा इसको बाधित किया हुआ है। ये है पंजी 2 में जो है मेरे पिताजी का नाम है, उसको यही सब मतलब निबंधित नहीं किया गया। जो दाम दिया गया 1960 में उसको नहीं किया गया, मौखिक नहीं मतलब कि सादा प्लेन पेपर पर दिया गया था, जिसके बाद ही स्वास्थ्य केंद्र बना। और उसी 1960 से ही बना था, दान देने के बाद ही बना। बिल्डिंग सब तो पूरा जर्जर हो गया। हाँ, पूरा जर्जर हुआ। इसी इसको मतलब फिर से दोबारा जो टेंडर लिया गया, टेंडर के बाद भवन निर्माण होना था, जो बाधित है। तो बच्चे लोग इसमें पढ़ते हैं तो खड़ा तो हो गए? हाँ, बच्चे लोग मतलब कि आंगनबाड़ी तो है नहीं, और ये पुराना ये जो स्वास्थ्य केंद्र का ही मतलब ये रूम स्टोर रूम था ही, और उसी में मतलब आंगनबाड़ी जमीन के नहीं रहने की वजह से इसमें पठन पाठन हो रहा है। ये बिल्डिंग पहले से ही बना हुआ है और इस पर अभी आंगनबाड़ी केंद्र का जगह नहीं था, जिसकी वजह से इसी में चल रहा है, और भवन नहीं होने की वजह से मजबूरन यहाँ चलाना पड़ता है। बिल्डिंग तो पूरा जर्जर है ना? बिल्डिंग जर्जर। और बगल में ये वेलनेस सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर भी है जी, ये सब खुलता है कि नहीं? हाँ, हफ्ता में एक बार हफ्ता में है। ऐसे बंद ही रहता है? हाँ, ऐसा बंद ही रहता है। पूरा देखते हैं कचरा मकई वगैरह ये सब? हाँ, इसमें साफ सफाई नहीं है, इस पर ध्यान ही दिया नहीं जा रहा है, कोई है नहीं देखने वाला इस पर। अच्छा, जगह कौन सा है ये? ये जगह है गुढ़ी पंचायत, और गुढ़ी पंचायत भवन के प्रांगण में है, और बहुत सारा भवन है यहाँ पर, जैसे पैक्स गोदाम है, स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, ये सारा चीज़ यहाँ पर है।